हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने आया हूँ, या आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर देने आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं ऑर्गेनिक में, यानी ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उस डाउट को आज मैं क्लियर करने आया हूँ। और जो कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत बार पूछे जा रहे हैं, आज मैं उनका जवाब दूंगा और उससे शायद आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, या आप कितना भी पढ़ ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपसे असाइनमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा, या आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, और या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में अटक जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसा करें कि आपका ये परफॉर्मेंस सुधर सके? तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए ऑर्गेनिक में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े काफ़ी एम्बिगियस आते हैं, मतलब जो इसमें क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मिक्सिंग भरे कॉन्सेप्ट से होते हैं, और जनरली जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो काफ़ी टफ बनाए जाते हैं अगर मैं स्पेसिफिक नेट की बात करूँ तो। तो यहाँ पे आपको ये बात देखने की है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऑर्गेनिक आपने पढ़ ली है और उसके बाद आप सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे कर लेंगे, या टेस्ट में आप पूरे ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो देखिए ये बात गलत है। क्योंकि CSR नेट में ज़्यादातर देखा गया है ऑर्गेनिक को ही सबसे हार्ड बनाया गया है, और जब आप भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे आप पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस इतनी होती हैं कि आप ऑर्गेनिक के जो हार्ड क्वेश्चन हैं या एम्बिगियस क्वेश्चन हैं उन्हें छोड़ सकें। देखिए अभी आप असाइनमेंट करते हैं और टेस्ट देते हैं तब तो आपको सब कुछ करना होता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपने 50% ही करा तो आपने अच्छा नहीं करा, या आपको डिमोटिवेशन आ जाता है। पर एग्ज़ाम में देखो ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम में अगर 25 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आते हैं और मानिए उनमें 15 भी हार्ड होते हैं और आप सिर्फ 10 ही करते हैं, तो भी आप देखेंगे आप इतना अच्छा कर लेते हैं कि आपके GRF अच्छी रैंक से हो जाएगा। यानी अगर आप ऑर्गेनिक में 25-30 मार्क्स भी ले आते हैं एग्ज़ाम में तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं अगर आप फिज़िकल और इनऑर्गेनिक को उसके बाद अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक पूरा करने के लिए नहीं है, और ये 1000 में से 900 बच्चों की प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक में कि वो अटकते हैं ही। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं तो आपको मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा, आप देखेंगे वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में वीक हैं। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है, आप ऐसा नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेंगे, हाँ पर आप इतना ज़रूर कर लीजिए कि जो आपका GRF अच्छा निकल जाए। उसके लिए आपको ये करना है, जो भी आप कंटेंट को रिवाइज कर रहे हैं उन्हें बार बार पढ़ते रहें, और जो भी क्वेश्चन से आप सीख रहे हैं उन्हें एक जगह लिख के कॉन्सेप्ट अपने डेवलप करते रहें। यानी आपको हर क्वेश्चन से कुछ सीखना है, और ये भी याद रखना है कि हर क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं है। सेकंड चीज़ है, आप ये पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक अगर आपकी अच्छी नहीं हो पा रही है तो क्या आपको दूसरी बुक देखनी चाहिए, या बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जैसे कैरोथर या क्लेडन के? तो मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए अगर आप ऑलरेडी कोचिंग पढ़ रहे हैं कहीं, और या ऑलरेडी आप कोई कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे ही फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए आप इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बुक के या किसी दूसरे नोट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी इनफ है, और अगर कुछ होना होगा तो उसी से हो जाएगा, और जनरली हो भी जाता है अगर आप विश्वास रखते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा आप उसी को अच्छे से रिवाइज करें। और ये भी देखा गया है कि हर कोचिंग में या आप जहाँ से भी कंटेंट पढ़ते हैं जनरली वो बुक से ही उठाया हुआ कंटेंट होता है, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुक में कुछ अलग है। आप ये मत सोचो कि आपके नोट्स में कुछ अलग है और बुक में कुछ आपको अलग मिलेगा, देखिए नोट्स भी बुक से ही बनाए जाते हैं और क्वेश्चन भी बुक से ही उठाए जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बुक से ही आए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई कंटेंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी बुक को कवर कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ बुक की तरफ ना जाएं, यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट हो। हर चीज़ है, आप बार बार पूछते हैं कि क्या सर ऑर्गेनिक को छोड़ सकते हैं या बिना ऑर्गेनिक के भी नेट निकाला जा सकता है? तो मैं देखिए आपको यही कहूँगा, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी अगर आप एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं या अपना GRF की सिक्योरिटी रखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा ऑर्गेनिक आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर जरूर हैं, उन्हें आप ज़रूर देख के जाएं। कहने का मतलब है आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ें ना पढ़ें पर उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन चैप्टर के क्वेश्चन आप कर लेंगे, और जनरली वो आसान देखने को भी मिलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है,
आप पूछते हैं कि कौन से स्पेसिफिक चैप्टर हैं जो ऑर्गेनिक के लिए पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप लीव कर सकते हैं। तो देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उसे एक बार देख लीजिएगा कि किन चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए और किन चैप्टर को आप लीव कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आपके टाइम है और आपने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ ली है तो आप प्लीज़ पूरा रिवाइज करके ज़रूर जाएँ। मतलब आप लास्ट मोमेंट में डर के मारे कुछ भी चीज़ ना छोड़ें, क्योंकि होगा क्या, आप देखेंगे अगर ऑर्गेनिक का पेपर आसान आ जाता है तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जितना भी आपने पढ़ा है। अब फिफ्थ पॉइंट है, आप ये पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक पहले करें या फिजिकल पहले करें या इनऑर्गेनिक पहले करें। ये उन बच्चों के लिए जो जनरली मेरे को लगता है अभी रिसेंट में कोर्स पढ़ रहे हैं या जिनकी तैयारी अभी से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है और किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। पर हाँ, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि फिजिकल को पहले पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से करें, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और ऑर्गेनिक को आप लास्ट रखें। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ऑर्गेनिक कभी कभी ज़्यादा पढ़ने से भी हम उतना ही कर पाते हैं जितना हम कम पढ़ के भी करते हैं। तो इसीलिए उस पर टाइम ज़्यादा लगाने से बढ़िया है कि आप पहले उन पर टाइम लगाएं जिनमें मार्क्स लाने की संभावना ज़्यादा है। आई होप मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जैसे कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ और आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वैसे आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।